सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में ड्रॉ करने वाले हैं कलर पेंसिल पोर्ट्रेट। सो लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था एंड दिखाया था कि मैंने इसमें आउटलाइन ड्रॉ की है। आउटलाइन मैंने आपको दिखा दी थी। एक्चुअली में जो वो वीडियो था वो ग्रिड और फ्री हैंड के ऊपर था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ग्रिड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फ्री हैंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मैंने आपको बात की थी कि इस स्केच को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कलर पेंसिल के साथ। ओके, सो आज ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है, तो इसको हम स्टार्ट करने वाले कलर पेंसिल के साथ। यहाँ पे जो शीट है ये मैंने एवरी शीट ली है, क्योंकि कलर पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है तो मैं एवरी शीट ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कलर पेंसिल में। ओके, एंड यहाँ पे जो आउटलाइन की है ये ग्रिड मेथड से की है, आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा। तो पेंसिल कोई भी यूज़ कर सकते हो आउटलाइन वगैरह करने के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन सी मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ आज इसको ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सो काफ़ी सारी पेंसिल्स हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगा इसे ड्रॉ करने के लिए। एंड यहाँ पे जो मैं पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आज यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अप्सरा की प्रीमियम कलर पेंसिल का मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसके ऊपर मैंने पहले भी पोर्ट्रेट दिए। सो ये है अप्सरा की 26 प्रीमियम कलर पेंसिल। 26 शेड्स हैं इसमें, ओनली 26 हैं। इन 26 शेड्स में जो भी शेड्स यहाँ पे मतलब हमें चाहिए, अभी मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस पिक्चर भी शो करूँगा, तो उस इसमें है तो कवर हो जाएगा। जैसे कि आप रेफरेंस पिक्चर देख सकते हो, काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, इसलिए मैंने इस रेफरेंस पिक्चर को सिलेक्ट किया है। एंड फेस पे एंड आप नेक पार्ट पे देख सकते हो पर्पल ब्लू एंड पिंक शेड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे शेड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर हम सेम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ये सेम पेंसिल नहीं है, कोई अदर पेंसिल है लाइक डोम्स या फेबर कास्टल, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको ओपन करते हैं, तो मैं एक बार ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंड इस पे पहले ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया हुआ है, फुल ट्यूटोरियल, वो दिशा पटानी का स्केच ड्रॉ किया था इसके साथ, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। एंड कौन से शेड यूज़ करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, जैसे जैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको शेड्स क्लियर करता जाऊँगा कि ये वाले शेड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड जितना भी हो पाए आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रेफरेंस पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी रेफरेंस पिक्चर, आपको सेम बनानी हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। आई से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, सो ज़्यादातर स्केच ज़्यादातर क्या मैं जो भी मुझे स्केच ड्रॉ करना होता है वो मैं आई से ही स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे जो मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ, शेड और पेंसिल, मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ वो आप कंफ्यूज मत होना, शेड और पेंसिल एक ही बात है। कभी कभी मैं शेड बोल रहा हूँ, कभी कभी पेंसिल बोल रहा हूँ। ओके, सो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो मैं फर्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये पीच शेड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो स्किन शेड के लिए यूज़ करना होता है वो पीच शेड ही है। तो फर्स्ट पीच शेड का यूज़ करके हल्का हल्का यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से मैं पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही पेंसिल को धीरे धीरे से यूज़ करना है, ज़्यादा जल्दी में यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे बिगिनर्स को देखा है, बहुत जल्दी जल्दी में पेंसिल को यूज़ करते हैं, इतना गंदा सा टेक्सचर निकालते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे बन नहीं रहा। सो पेशेंस रखना होगा, बिना पेशेंस के आप अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते। सो मैं थोड़ा फास्ट ड्रॉ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया करते हुए और मुझे एक्सपीरियंस हो गया और मैंने प्रैक्टिस काफ़ी कर ली है, इसलिए जब भी मैं पेंसिल को यूज़ करता हूँ तो वो पैचेस नहीं आते हैं। सो स्टार्टिंग में हो सकता है आप फास्ट फास्ट करो तो पैच आ जाए, सो इसलिए पेशेंस रखो स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि पहली ही बार में आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर जाओगे एग्जैक्ट बिल्कुल सेम, ऐसा नहीं है। सो कलर पेंसिल्स में क्या होता है, हमें शेड्स बनाने पड़ते हैं। जैसे एक शेड बनाने के लिए हमें ऐसे तो नहीं कि जितने भी शेड्स हमें चाहिए वो सभी पेंसिल्स अवेलेबल हों हमारे, जो भी बॉक्स है 24 पेंसिल हम यूज़ करें, 48 पेंसिल का सेट यूज़ करें, तो जरूरी नहीं कि वो सारे शेड्स सारी पेंसिल्स हों, तो हमें शेड्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए पेंसिल्स को शेड्स को आपस में मर्ज करना होता है जिससे वो शेड्स हम बना सकें, ठीक है। सो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपकी इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कौन सा शेड कैसे बनता है। स्किन टेक्सचर के ऊपर मैंने काफ़ी बार वर्क किया है तो इसलिए मुझे पता है कि स्किन का टेक्सचर कैसे आएगा, अगर वो पेंसिल नहीं है तो उस शेड को कैसे बनाना है। यहाँ पर जैसे आई आप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सो आई में यहाँ पे मैंने पिंक शेड का भी बीच में मिक्स किया, पर्पल का मिक्स किया, मजेंटा कलर का हल्का सा मैंने शेड दिया है बीच में, तो जाकर ये शेड ऐसा बना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही पेंसिल से वो शेड दिखा सकते हैं। यानी यहाँ पर शेड्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर बीच बीच में
टैन कलर का भी यूज़ करूँ, इसके साथ साथ यहाँ पे ब्राउन शेड का भी पेंसिल का भी यूज़ करूँगा एंड ऑरेंज का भी यूज़ करूँगा ताकि ये शेड आ जाए। और हल्का सा अगर आप रेफरेंस पिक्चर को जूम करके देखोगे ना तो ब्लू शेड भी आपको नज़र आएगा, तो ब्लू भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो आप देख सकते हो एक शेड बनाने के लिए हमें कितनी सारी पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। सो ऐसे ही फेस पर है, फेस पर देख सकते हो आपको ज़्यादातर यहाँ पे मजेंटा कलर ही दिख रहा होगा रेफरेंस पिक्चर में, बट एक्चुअली में यहाँ पे हमें यूज़ करने पड़ेंगे कौन से शेड। यहाँ पे ब्लू शेड भी, ब्लू पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, बीच में पिंक का भी करना पड़ेगा एंड पर्पल का भी करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट लेयर के लिए पीच शेड का तो यूज़ करना ही करना है। नोज़ पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए मैं, मुझे जहाँ पे लग रहा है कि पर्पल शेड यूज़ होगा मैं वहाँ पे पर्पल यूज़ कर रहा हूँ, ओके। बट यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर रहेगी पूरे नोज़ में वो हमें पीच के साथ ही ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद हम ब्राउन पेंसिल का भी यूज़ करेंगे। जो डार्क एरियाज़ आपको लग रहे हैं, जैसे कि रेफरेंस पिक्चर में आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है डार्क एरियाज़ कौन से हैं, उसमें ब्राउन का भी यूज़ करना है, मैजेंटा का भी यूज़ करना है एंड साथ साथ हल्का ब्लैक कलर का भी यूज़ करना है। सो बिना ब्लैक के हम ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते, बिल्कुल हल्का सा शेड देना है ब्लैक का। सो नाउ आईब्रो के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डायरेक्ट ब्लैक कलर का। सो ओनली ब्लैक कलर नहीं होगा इसमें, अगर आप रेफरेंस पिक्चर में देखोगे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ब्लू शेड मिक्स है ब्लैक के साथ, ब्लू शेड मिक्स है एंड यहाँ पे हल्का पिंक या मजेंटा कलर भी यहाँ पे मिक्स होगा, वो शेड हमें बनाना है, ओके। बिल्कुल ब्लैक नहीं है, यहाँ पे शेड डल रहा है, ब्लू आ रहा है एंड मजेंटा यहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो हम इसको मिक्स करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ अपना हाथ ही चलाना है, आपको अपना थोड़ा माइंड भी यूज़ करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा शेड यूज़ करना है। रेफरेंस पिक्चर आपके सामने है, बस हल्का सा आपको, वैसे बोलूँ तो माइंड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेफरेंस पिक्चर तो आपके सामने है, ये रेफरेंस पिक्चर में हमें अच्छे से पता लग रहा है कि कौन सा शेड हमें कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। बस आपको यूज़ कैसे करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर पैच आ रहे हैं तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी।
सो शेड यूज़ करने से पहले, पेंसिल को यूज़ करने से पहले जो एरिया में आप यूज़ कर रहे हो वो अगर आप ग्रिड दिखाई दे रहे हैं काफ़ी डार्क है तो उसको इरेज़ कर लेना, ठीक है, नहीं तो वो अच्छे नहीं लगते लाइन सी बनी हुई। एंड यहाँ पे हम अब लिप्स ड्रॉ करने वाले हैं, तो लिप्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं मजेंटा कलर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डार्क है थोड़े से लिप्स, एंड बीच में बिल्कुल भी डार्क नहीं है, हल्के से यहाँ पर लाइट है, ठीक है, हल्के से लाइट है। तो यहाँ पर मैं मिक्स करूँगा, मतलब प्रेशर यूज़ करूँगा अपने हाथ पे, जहाँ पे डार्क होगा वहाँ पे प्रेशर मेरा ज़्यादा रहेगा पेंसिल का, जहाँ पे लाइट टोन है वहाँ पे मेरा प्रेशर जो है वो कम रहेगा पेंसिल का। अगर प्रेशर कम रहेगा तो वहाँ पे लाइट यूज़ होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो डार्क होगा। ओके, सो इसलिए पेंसिल को कंट्रोल करना है आपको। यहाँ पर मजेंटा पेंसिल का मैं यूज़ करूँ तो मजेंटा पेंसिल को कंट्रोल करना है जिससे कि हम सेम वैसा शेड दिखा सकें। लिप्स ड्रॉ करने के लिए सिर्फ मजेंटा का ही यूज़ नहीं करना है, बीच में यहाँ पे ब्लैक शेड भी मिक्स होगा। सो ध्यान से देखना किस तरह से मैं यहाँ पे ब्लैक शेड का मिक्स करूँगा जो डार्क एरियाज है उसको और डार्क करने, क्योंकि सिर्फ मजेंटा से इतना डार्क नहीं होगा। रेफरेंस पिक्चर देखोगे तो हल्का सा आपको डार्कनेस लगेगी, उसमें ब्लैक शेड मिक्स करेंगे तो वो डार्कनेस आएगी। ओके, सो आपने देखा कि कैसे मैं यहाँ पे ब्लैक पेंसिल का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो आप कितना अच्छा यहाँ पे लिप्स लग रहा है, यानी जहाँ जहाँ वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी थी मैंने सेम वैसे ही वैल्यूज़ रखी हैं तो जाकर सेम शेड सेम इफ़ेक्ट आया है। सो आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मजेंटा कलर का शेड कर दोगे और बोलोगे कि हमसे तो आ ही नहीं रहे, हमसे तो शेड्स आ ही नहीं रहे हैं लाइट या हाइलाइट्स का। इसलिए आपको डार्क एंड लाइट के कम्बिनेशन को अच्छे से समझना है, मींस कि आपको वैल्यूज़ को अच्छे से समझना है। लिप्स पे हल्का सा ब्लू शेड भी मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टच है ब्लू शेड का, तो यहाँ पे हम ब्लू शेड का भी यूज़ करेंगे हल्का हल्का लिप्स में, ठीक है। ओके, सो नाउ यहाँ पे हल्का सा चिन पार्ट भी कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे लेयर में पीच शेड के साथ, पीच पेंसिल के साथ ही देने वाला हूँ। ओके, सो लाइट एंड डार्क के कम्बिनेशन को समझना है। आप देख सकते हो जैसे कि रेफरेंस पिक्चर में एक तरफ से बहुत ज़्यादा लाइट है और एक तरफ से बहुत ज़्यादा डार्क है, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर हमें वाइट नहीं छोड़ देना है, स्पेस नहीं छोड़ देना है, हल्का प्रेशर का यूज़ करके पीच का ही यूज़ करना है। एंड जहाँ पर डार्क है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगा के पीच का यूज़ करना है, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे सिर्फ पीच यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पर्पल मजेंटा और ब्राउन का मिक्स रहेगा, और यहाँ पे ऑरेंज शेड भी आएगा। सो इनको अच्छे से मर्ज करना है, स्मूथली मर्ज करना है, पैच नहीं आने, ये इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आ रहे हैं आपके तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। आप जैसे जैसे और पोर्ट्रेट निकालोगे या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ड्रॉ करते हो, स्मूथ करने की कोशिश करोगे, उसमें अपनी गलतियों को फाइंड आउट करोगे तो काफ़ी ईजिली सीख जाओगे कि कैसे हमें आपस में मर्ज करना है शेड्स को, कैसे हमें स्मूथ टेक्स्चर देना है, कैसे हमें मतलब देखना है कि हम कम से कम पैच आए। ओके, यहाँ पे मैं किसी भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करने की। पहली बात तो ये ब्लेंडेबल पेंसिल नहीं है, नॉन ब्लेंडेबल पेंसिल है। ओके, सो इसमें कोई भी ब्लेंडेबल टूल्स का मैं यूज़ नहीं करूँगा, जस्ट ओनली शेड करना है और शेड्स को आपस में मर्ज करना है। शेड को इस तरह से यूज़ करना है कि पैच कम से कम आए या बिल्कुल भी ना आए, वैसे तो बिल्कुल भी ना आए तो काफ़ी बेटर है, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि पैच ना आए, पैच आ जाए तो उसको कवर कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो पहली बात तो कोशिश करना कि पैच ना आए,
ठीक है। बाकी कवर कैसे करना है, तो कवर अगर हम पैच आ भी जाता है तो फिर हमें उसे और डार्क करना पड़ता है, उस एरिया को और डार्क करना पड़ता है, हमें थोड़ा अपना माइंड लगा के फिर पूरे पिक्चर को ही डार्क करना पड़ता है। सो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो इसलिए कोशिश करना कि पैच कम से कम आया आई ना। ओके, सो यू कैन सी कैसे मैंने यहाँ पे शेड दिया है, यहाँ पे पैच आप देख सकते हो बिल्कुल भी पैच नहीं आ रहे अभी इसके ऊपर। जब हम फिनिशिंग पार्ट में आएंगे, जब इसको हम पूरा बना लेंगे, फिर एक लेयर और मैं करता हूँ फिनिश करने के लिए इसको, ठीक है। सो वो बाद में देखेंगे। सो मेरा प्रोसीजर थोड़ा अलग है पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का, ठीक है। मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर एक लेयर मैं बचा के रखता हूँ फिनिशिंग के लिए, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, और मैं चेक करके अच्छे से पूरा देखता हूँ कि कहाँ पे फिनिशिंग की ज़रूरत है, फिर यहाँ पे एक लेयर और करेंगे। ऐसे ही मैं बाकी पोर्ट्रेट्स में भी करता हूँ, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। शेड्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से शेड कहाँ और कैसे यूज़ करने, ठीक है। अगर आपके पास ये शेड्स नहीं है, आपको ये दूसरा सेट यूज़ कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, आप दूसरा सेट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग टूल्स का तो यूज़ किया ही नहीं है। ओके, सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।